मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में तेजी से फैलती ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर एक नई चौंकाने वाली जानकारी आई है। अब तक ये माना जा रहा था कि ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना संक्रमित मरीजों को हो सकती है, लेकिन इंदौर में ऐसे 8 मरीज सामने आए हैं जो कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी ने जकड़ लिया है। ब्लैक फंगस की नई जानकारी को लेकर MYS के डॉक्टर VP पांडे का कहना है, ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहे हैं उनमें या तो हल्के कोरोना के लक्षण थे और वो ठीक हो गए हैं। हल्के लक्षण ने इन मरीजों के इम्यून सिस्टम को प्रभावित किया हो, इस वजह से इस तरह के मरीजों को ब्लैक फंगस होने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक तौर पर अभी शहर में 175 ब्लैक फंगस के मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार हो रहा है। डॉक्टर पांडे के अनुसार ब्लैक फंगस के लक्षण अगर सामान्य व्यक्ति में भी नजर आ रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज न करते हुए तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज शुरू कर देना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ सप्ताह से ऐसी संभावना रखी जा रही थी कि क्योंकि बहुत सारे बहुत बड़ी मात्रा में कोविड के पेशेंट ठीक हो गए हैं, जिनमें से इस बार डायबिटीज़ कई मरीजों में देखी गई थी और स्टेरॉइड्स का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मरीजों में हुआ था, तो ऐसा सोचा जा रहा था कि इससे ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकर माइकोसिस की बीमारी, जो कि सामान्य रूप से वातावरण में उपलब्ध रहती है और एक व्यक्ति के शरीर को तभी प्रभावित करती है जब उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, यह बढ़ सकती है। संभावनाओं के अनुसार पिछले हफ्ते से ही हम लोगों ने इसके मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखनी शुरू की और 7 दिन पहले हमने अपने MY अस्पताल में एक वार्ड खोल दिया था, लेकिन हम लोगों के अनुमानों से भी ज़्यादा पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं और आज हमारे पास 175 से भी ज़्यादा पेशेंट्स MY हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में भर्ती हैं। दरअसल इसके बचने के लिए तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर व्यक्ति जिसको कोविड हुआ है, अगर उसको डायबिटीज़ है तो उसकी डायबिटीज़ पूरे कोविड के इलाज के दौरान पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, उसको स्टेरॉइड्स की डोज जितनी निर्धारित है उतनी ही दी जाए, उससे बहुत ज़्यादा ना दी जाए ताकि उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कोई फर्क ना पड़े, एंटीबायोटिक्स का भी अनावश्यक रूप से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और साथ में ही बचने के लिए कई बार हम लोग मरीजों को यह सलाह भी दे रहे हैं कि जब आपके लक्षण शरीर में शुरू होते हैं तो उन्हें तत्काल पहचाने भी। आप ये समझ लीजिए यह फंगस हमारे वातावरण में उपलब्ध है और हमारे सांस लेने के द्वारा नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है। सबसे पहली जगह ये नाक में ही रुक जाता है और वहीं पर बढ़ना शुरू करता है। नाक में बढ़ने के बाद यह नाक की झिल्ली को तोड़ करके अंदर घुसता है, वहाँ पे काले काले स्पॉट्स बनाता है, हमारी नाक एक तरफ से बंद होनी शुरू हो जाती है और नाक से बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। नाक के द्वारा ही यह फिर ऊपर की तरफ आँख में जाता है या नीचे दांतों में भी जा सकता है। दांतों में या मुंह में या जबड़े पे एक कालापन होना, काले काले धब्बे बनना, उनमें से खून आना, नाक छिनकने में खून आना, यह पहले लक्षण होते हैं। इसके बाद अगर उसी समय पर इस बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह फंगस आँखों में चला जाता है, आँखों में देखने में दिक्कत हो जाती है, आँखों में दर्द शुरू होता है, कभी कभी दृष्टि पूरी तरह से बाधित हो जाती है। अगर फंगस की ग्रोथ आँखों के आसपास काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो वह गठान बनाता है जिससे आँख बाहर भी निकलने लगती है, व्यक्ति को दो दो दिखाई पड़ने लगते हैं। यह एक गंभीर अवस्था की शुरुआत हो चुकी होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति के इलाज में हमको आँखें निकालनी भी पड़ सकती हैं। अंतिम अवस्था इसकी होती है जब इसमें मस्तिष्क को प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के प्रभाव पड़ने पर मस्तिष्क में जाकर के यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, मेनिंजाइटिस कर सकती है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है और अगर अनियंत्रित रही या सही तरीके से पूरा इलाज इसका नहीं किया गया, सर्जरी करके इस फंगस के भाग को नहीं निकाला गया तो यह बीमारी हमारी कोविड की बीमारी से भी ज़्यादा घातक होकर के मृत्यु भी कर सकती है। लगभग 50% मरीजों में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि कुछ मरीज जो कि कोविड निगेटिव भी रहे हैं या कोविड उनको हुआ ही नहीं है, उनको याद भी नहीं कि उनको कोविड कभी हुआ था, उनमें भी यह देखने में आ रहा है, तो इनके बारे में हम बिल्कुल संशय ना रखें, हम म्यूकर की इलाज पूरी तरह से कराएं, कोविड की चिंता ना करें। आप लोगों को सभी को बार बार सही साधनों द्वारा बताया जा चुका है कि कोविड का वायरस लगभग 70% मरीजों में तो कोई लक्षण भी नहीं करता है। ऐसे लोग जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक लोग बोलते हैं, उनको कोविड होकर के अगर ख़त्म भी हो जाता है तो उनको कोविड नहीं होता है, मगर कोविड के द्वारा हमारे इम्यून सिस्टम में या रोग प्रतिरोधक क्षमता में किया गया प्रभाव बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, तो इसमें म्यूकर का इलाज हम लग करके कराएं। यह बीमारी हमारे कोविड के साथ हो या बिना कोविड के हो उसकी आप चिंता ना करें, कोविड के साथ रहे या ना रहे इस बीमारी का इलाज एक ही है, तत्काल सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है या मुंह से गोलियां लें या इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के सक्षम चिकित्सक की सहायता से सही समय तक लगवाएं ताकि आप इससे भी पूरी तरह से मुक्त हो सकें।